हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर फ्रेश व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में रहेगा, आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज, तो थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, और आज आपको अपना कॉलेज दिखाएंगे। सो फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अभी जो है ना, अभी सुबह के, अरे कितने, सुबह अभी 9:40 हो रहा है और 10 बजे निकलेंगे हम लोग 20 मिनट बाद। लुकेश और मैं जा रहे हैं, और ये व्लॉग, ये शुरू में ही बोल देता हूँ, ये व्लॉग बना रहा हूँ मैं बिल्कुल एक दो हफ्ते बाद, क्योंकि पास्ट आपको पता था कि जो लास्ट व्लॉग था शुभम का बर्थडे, उसमें सेलिब्रेट किए, उस टाइम पर ही मेरा तबीयत जो है वो ख़राब था। उसके बाद फिर और कुछ हुआ, बारिश वारिश में भी भीग गया था उस दिन। उस दिन के बाद से मतलब सर्दी है वो काफ़ी बढ़ गई थी, और फिर चेकअप कराया तो पता चला कि मेरे को जो है पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी टाइफाइड की। तो भाई टाइफाइड हो गया था मेरे को, सो 5 दिन से तो उसकी टैबलेट से चली। फिर कल फ्री हुआ, मतलब कल और दो दिन ही हुआ है मेरे को दवाई फिनिश किया अपना, और जो है आपका भाई बिल्कुल फिट और ठीक हो गया है। तो मैं एकदम से अब फील अच्छा लग रहा है ना, सो अब ब्लॉगिंग करते हैं। अब मिस कर रहा था ब्लॉगिंग को भी मैं, तो अब चलेंगे। अभी जस्ट अब वो बस बैग वैग जो है वो प्रिपेयर कर रहा था, उसके बाद निकलेंगे 10 बजे। और ये कपड़ा कैसा लग रहा है बताना, इसको न्यू लिया हूँ, क्योंकि इस बीच ना, इस 2-3 दिन के बीच मैं क्या है, एक बार और बड़ौदा जा चुका हूँ, क्योंकि अभी एक बार एडमिशन होने के लिए गए थे, और दूसरा भी कॉलेज जा रहा हूँ, वो ना मैं वो काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था, इसी नाम से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, लेकिन गया था। तो क्या लिखा है, डोंट लुक बैक। हाँ हाँ भाई, डोंट लुक बैक, तो पीछे को छोड़ो और आज चलते हैं कॉलेज, तो आपको हमारा कॉलेज दिखा दूंगा मैं। सो फिलहाल अभी बस प्रिपरेशन करता हूँ, फिर निकलते हैं। सो भी गाइस, बैग प्रिपरेशन तो कर लिए, जितने सारे हैं डॉक्यूमेंट्स मेरे को ले जाना है वो पैक कर लिया मैं, और अभी आपको मैं अपना रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो ये देखो, पॉजिटिव लिखा है भाई, ये मैंने चेक करा था, ये कोई कोरोना का नहीं है, बट रिपोर्ट है उसकी टाइफाइड की। चलो छोड़ो, वो तो पास्ट थी, अब तो ठीक हो गया मैं एकदम भला चंगा। तो अब चलते हैं, बस एक कंपास और रख लेता हूँ, क्लासेस वगैरह की, मतलब पेंसिल वगैरह की जरूरत जो है पड़ सकती है। गाइस 10 बजने वाले हैं और मैं निकलने वाला हूँ, तो बैग भी रेडी हो गया और लुकेश भी आ गया, ये क्या मम्मी ने क्या डाल के रखा है, गाड़ी साफ करने के लिए। तो फाइनली अभी अब निकलते हैं, फिर कॉलेज जाके मिलते हैं। अब फिर मस्त नज़ारा है बीच में कॉलेज वाले में, तो अभी आप देखना, और इसको रख देते हैं फिलहाल, तो चलते हैं। अभी आपने देखा, हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बलौदा बाजार, जो कि बलौदा बाजार से दूर है, 5 किलोमीटर बाहर रायपुर रोड पे, सगरी गांव पे। तो भी है, बाइक वगैरह तो पार्क कर दिए, और दीपक जो है वो आ रहा है, दीपक एक और फ्रेंड है मेरा दोस्त, टैटू आर्टिस्ट, भी मिलवाऊँगा आपको। और अभी फ़िलहाल फिर अंदर चलते हैं, आपने जो बाहर का व्यू है तो देख लिया, काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। फ़िलहाल अंदर चलते हैं, और नवीन भी आने वाला है, तो कॉल वगैरह करते हैं, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सबमिट करते हैं। और दूसरा, आज यहाँ पर काम ये है कि ना, वो वोकेशनल ट्रेनिंग वाला वो लेटर है वो भी लेके जाना है, अगर वो पास हो जाता है और प्लांट में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बारे में आके बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल तो अभी चलते हैं। मैं हूँ कॉलेज के अंदर, और ये यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट, मतलब 3 ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो सबका अलग अलग है, और 2 मंजिल है इमारत जो है, और स्ट्रक्चर देख लो पूरा काफ़ी मस्त सा। तो अभी भी फ़िलहाल मैं बीच में हॉल पे हूँ, और पीछे है प्रिंसिपल ऑफिस है इस तरफ, शायद हमको ही जाना पड़ेगा, अभी सर लोग नहीं आए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी 11 ही बजे है ना, तो अभी जस्ट ओपनिंग टाइम हो रहा है, और स्टूडेंट लोग भी कम आए हैं, तो आपको कॉलेज दिखा दूंगा मैं। फिलहाल जिस समय
पूरा तो नहीं, पर जिस टाइम क्लासेस और हमारे जो मैकेनिकल ब्रांच की क्लासेस थी ना स्पेशली, वो तो वो दिखला दूंगा। और अभी बस थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंट्स वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। जय श्री राम। अरे दीपक ब्रो, टैटू आर्टिस्ट, मैं सुपरस्टार है अरे भैया, कैसे ही हाल। तो गाइस, ये दीपक जो कि आ चुका है, और अभी 11:30 टाइम हो रहे हैं, और सर लोग भी बाइक पे खड़ी ना, सर लोग आ गए। तो भी गाइस, दोस्त आ चुका है पूरा, और काफी दोस्त लोग हैं और दूसरे ब्रांच के। तो फिलहाल दीपक और मैं है मैकेनिकल के, ये सिविल वाला, और ये चंचल ब्रो, ये भी सिविल वाले। तो अभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, जो कि यहाँ पर सूचना पटल है ना, बाहर पे लिखा है। तो प्रिपेयर करके सबसे पहले जमा करते हैं, उसके बाद सभी दोस्तों से मिलाता हूँ मैं। अभी ना मैकेनिकल को छोड़ के इलेक्ट्रिकल वालों, हाँ, इलेक्ट्रिकल वालों की क्लास लग रही है हमारे सेमेस्टर, पर हमारी नहीं लग रही क्योंकि सभी लोगों की उपस्थिति नहीं हो पा रही है। बट कुछ टाइम बाद से ये रेगुलर चालू हो जाएगा। तो फिलहाल चलो फोटो कापी करवा के आते हैं। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं हम लोग फोटो कापी करवाने के लिए, और करवा के आते हैं, उसके बाद फिर जमा करेंगे। अभी गाइस फोटो कापी करवाने के लिए आए थे नियर बाय, मतलब सकरी पे ही, तो सकरी में ही है ना कॉलेज। तो फोटो कापी तो हो गया, और पूरी डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर दी, बस अब जाके जमा करते हैं और कॉलेज भी दिखाते हैं। आ चुके हैं कॉलेज, और मित्र आ गया अपना नवीन फैक्ट, वो इसका बेसब्री से इंतजार है। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, और ये हमारा कॉलेज है। लाइक करें, फॉलो करें, प्लीज़ गाइस लाइक कर देना। और फ्रेंड्स लोग मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है। और अभी जाके अब एडमिशन लेते हैं। प्रिंसिपल रूम जो कि खुल चुका है, जो इधर चल रहे हम लोग, वो वाला रूम पे जाएंगे जो कि है इलेक्ट्रिकल ब्लॉक का है, और वहाँ पास हो रहा है डीवीसी वगैरह का काम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और उसी तरफ हम लोगों का फॉर्म भी आई थिंक जमा होगा, स्कॉलरशिप वाला जो है। तो फिलहाल जा रहे हैं, और देख लो ये है इलेक्ट्रिकल ब्लॉक। तो इस तरफ से भी कक्षाएं लगती है इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल वाला ब्लॉक है ना, तो ऊपर वाली कक्षाएं हैं वो है इलेक्ट्रिकल के लिए, क्लासरूम वगैरह जो है। और यहाँ फिर इंटर करेंगे हम लोग, काफ़ी पब्लिक भी है अंदर पे। तो फ़ोन तो नहीं ले जा सकता मैं, तो इसको करने के बाद, जमा करने के बाद मिलते हैं। गाइस लाइन पे लगे हैं, और जो सर जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट से अंदर पे, चूँकि काम चल रहा है तो दिखा नहीं सकती मैं। सारे लोग हैं अभी, दीपक वगैरह सब। भी गाइस, जो जमा करना था हमको वो तो हमने कह लिया, और दीपक की फुल चर्चा हो रही भाई। सर वैसे अच्छे हैं हमारे, सबको जानते हैं, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मेरे भी जानते हैं, दीपक को भी, कि इसका टैटू का वर्कशॉप है करके, तो सबको जानते हैं। अब आपको अपना मैकेनिकल ब्रांच दिखलाता हूँ मैं, फर्स्ट टाइम की तरफ, और सिविल ब्रांच भी है, सबकी अलग अलग ब्रांच है ना, तो वो दिखा देता हूँ। सो गाइस, इधर था वो था इलेक्ट्रिकल ब्लॉक, अब चलते हैं अपने ब्लॉक पे मैकेनिकल का, जो कि है सामने, मतलब जस्ट गेट से राइट हैंड साइड पर मुड़ने पर इस तरफ आपको मैकेनिकल ब्रांच की जो मिल जाएगा। अभी सीधा ऊपर चलते हैं अब मस्त से, ये अपना मैकेनिकल ब्लॉक। हम लोग ना फर्स्ट सेम पे नहीं बैठे थे, सेकंड सेम से, मतलब थर्ड सेम से बैठना चालू किए थे ऊपर। तो सीढ़ी ऊपर चलते हैं फिलहाल। गाइस ये है अपना मैकेनिकल ब्लॉक, ये था हमारा फिफ्थ, मतलब हम लोगों का क्लास है बोल दो, अब फिफ्थ सेम में ही है ना, तो फिफ्थ सेम मैकेनिकल के लिए। बाकी अभी तो पूरी धूल धूल है, बट यही बैठेंगे जब से कॉलेज स्टार्ट होगा तो। और फिलहाल अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो यही क्लास में बैठेंगे। और इस तरफ देख लो, मस्त ब्यूटीफुल सा ये अच्छा स्पेस दिया गया है बीच बीच पे ना, ऐसा गार्डन टाइप को, जो काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। खा रहे थे, हमको पता नहीं था, और चले गए डांट खाते, लेकिन बच गए, बच गए भाई। और ये वाला है अपना कंप्यूटर रूम, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई, देख लो कंप्यूटर लैब, लेकिन कोई फिलहाल कंप्यूटर नहीं है, लगेगा क्योंकि कॉलेज भी नया नया है ना, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पहले नहीं था बलौदा पे। और ये लाइब्रेरी सामने देख लो,
फिलहाल एग्जाम वगैरह जो कंडक्ट यही पास होते हैं और चेयर वेयर है, बुक्स वगैरह सेल्स तैयारी चल रही है। टेन जल्दी ही लाइब्रेरी आ जाएगा, लेकिन इस साल तो नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस साल नहीं हुआ तो हम लोग तो पढ़ के निकल गए ना, फिर कोई मतलब नहीं हो जाएगा। फर्स्ट सेम की तो क्लासेस इस तरफ है, गेट से लेफ्ट साइड से सीढ़ी है, और चढ़ने के बाद फर्स्ट सेम की क्लासेस है वो है सामने। तो हम लोग अच्छा टाइम बिताए थे यहाँ। ये वाली जो है यहाँ पे बिट्टू काली भाई एकदम टॉप पे बैठते थे अपन लोग, यहाँ पास फर्स्ट सेम की क्लासेस है, यहीं बैठ के पूरा अपना एक साल बिताए, मज़ेदार रहा वो भी। और वहाँ फर्स्ट बैठते थे, सो ये है फर्स्ट सेम वाला ब्लॉक, यहाँ भी मस्त गार्डन वगैरह सारी चीज़ें हैं। बाद इस तरफ जाने पर आपको सिविल ब्रांच मिलेगा। सो स्ट्रक्चर जो है वो पूरा सेम बना हुआ है, एक ही प्रकार से रूम वगैरह का जो डिजाइनिंग है वो सारे कंस्ट्रक्शन वो सेम है। मस्त है अपना कॉलेज, मस्त बड़ा सा। और फिलहाल अब ये यहाँ पास बाहर जाने के लिए खुला हुआ है, और ये ऊपर टॉप जाने के लिए, वैसे तो कभी गई नहीं है क्योंकि अक्सर ये बंद रहता है। तो ये गाय ये कहाँ से ना, मतलब हम लोग जब भी आते थे यहाँ पर स्टे करने के बाद अपना थोपड़ा फेस देखने के लिए सबसे अच्छा ये होता है। वैसे ब्लू ब्लू चमक रहा है, बट ठीक है ऐसे छोटी धारी। तो अब चलते हैं नीचे। था हमारा कॉलेज जो आपको पूरी तरीके से दिखा दिया मैं, और उसके बाद जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाला लेटर एप्लीकेशन दे दिया हूँ मैं, फिर सर उसका लेटर बना के देते, लेकिन सर जो कि नहीं आए हुए हैं, तो लेटर वो 30 तारीख को मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं। अब वेट करना पड़ेगा मेरे को, 30 तारीख को कॉलेज फिर आना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल अब आज का काम तो हो गया, तो अभी जाना है बलौदा, तो बलौदा जाएंगे क्योंकि गाइड्स वगैरह लेनी है मेरे को देवी सर के लिए। फुल मस्ती किए, और फाइनली अभी दीपक तो अर्जुनी में रहता है, वहीं है इसका स्टूडियो, टैटू बनवाने के लिए कभी भी चले जाना। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं हम लोग बलौदा, कॉलेज आएंगे 30 तारीख को, तो अभी चलते हैं। चल सो भी गाइस, मैं पहुंच चुका हूं बलौदा बस स्टैंड, जो कि पीछे हाई पर और आ चुका हूं मैं, मतलब व्लॉग आपने देखा होगा। तो फिलहाल अभी से मेरे को देसा 11th पढ़ती है, तो 11th के लिए उसके लिए बुक लेना है हिंदी और इंग्लिश का, मतलब गाइड लेना है सॉरी। तो बुक्स थी वो ले लिए, अब बस घर जाना है फिलहाल। और अभी गार्डन चौक पे तो हैं, तो दीपक निकल रहा है अपने घर, भूलना मत इसके पास डीप टैटू आर्ट करके। चल ठीक है, मिलेंगे। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोग भी निकलते हैं अब घर, काम तो हो गया, अब इसको और आना पड़ेगा, फिर चलते हैं वही दो। अभी गाइस आई एम बैक टू होम, सीधा घर आ गए। तो मम्मी और देवसा तो है, देवसा तो स्कूल नहीं गया है, थोड़ा उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा था इसीलिए, और आगे भाई घर आके अलग ही सुकून मिलता है और थकावट भी लगती है। तो अभी जाके अब चेंज वेंज करके थोड़ा सा मुंह वगैरह धो के फ्रेश होते हैं। तो अभी गाइस शाम के बज रहे हैं 7, और एज यूजुअल शॉप पर ही हूँ मैं, शॉप पर बैठने वाला ड्यूटी चल रहा है, नहीं तो घूमने चले जाता, लेकिन अभी क्या है पापा देवसा को पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। पता है गाइस, जब तबीयत ख़राब थी ना, तो 5 दिन से 4 दिन तो मैं पूरा सोया था भाई, टाइफाइड के नाम से तबीयत ख़राब थी। फिर थोड़ा ठीक लगा, फिर गया था कॉलेज एडमिशन लेने के लिए, फिर एडमिशन लिए। उसके बाद इन सब बीच पे मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आय प्रमाण पत्र वगैरह भी प्रिपेयर किया, सारे काम कर लिए थे। और शॉप पर कम बैठता था मैं, क्योंकि सोया रहता था ना, थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, पर अब ठीक है, अब बैठा हूँ फिलहाल तो शॉप पर, तो पर क्या कर सकता हूँ यार, बस यही चल रहा है ना अभी लाइफ। कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगी ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि डेली घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ मैं। इस रात के 8 बज रहे हैं और 8:30 हो रहे हैं, और दुकान हमने बढ़ा ली है, सो अभी टाइम है डिनर का, तो देख लो दाल भात है अपनी, तो अभी डिनर करते हैं फिलहाल। गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9, और खाना खा लिया, बस सोने वाला हूँ। क्या करें गाइस, अभी क्या है ना, दिन थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं, पर क्या करें। तो होप यू गाइस एंजॉय माय व्लॉग, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, में मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा थोड़ा बहुत प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना यार, फॉर हेल्पिंग मी, ठीक है।
तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट व्लॉग में, और ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय।